यहाँ के जितने भी लोग हैं, इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप अपने हिस्से का जितना भी रोपा है वो यहीं रोप लीजिए, क्योंकि ये जो कीचड़ है, ये जो कादो है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें रोपा होता है, ठीक है, वो MLA साहब यहाँ के नेता लोग के द्वारा तैयार किया गया है और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। यहाँ से BDO साहब, यहाँ से CO साहब सब गुजरते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से नहीं गुजरते हैं। उसके बाद भी यहाँ के सड़क की स्थिति आप सामने देख सकते हैं, मतलब जो है यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो MLA हैं, उससे कुछ बोलना चाहिएगा, क्या बोलना चाहिए, बोलिए। हम लोग क्या बोलेंगे, जो बड़ा आदमी लोग है वही लोग बोलेगा, हम लोग का बात सुनता है नहीं, आवाज तो पहुंचेगा वहां तक, हम लोग का बात कोई सुनता है क्या, गरीब का कोई नहीं सुनता है, गरीब का कोई नहीं सुनता है। यहां पे रोपा होने वाला था लेकिन बिहन महंगाई की वजह से नहीं हो पाया, ठीक है, और इसके चलते यहां पे रोपा नहीं हुआ। विधायक जी को इतना ही बोलना चाहेंगे, कादो तो करवाइए दिए हैं, ठीक है, बिहन भी भिजवा दीजिए, रोपवा देंगे, आके धान काट लीजिएगा। ईमानदारी से बना देगा तो 10 साल में निकलेगा, 10 साल में, लेकिन यहां तो बेईमानी पैदा हो गया, सब बेईमान जी। आप देख लीजिए, सब आपको यहीं के लोग बता देंगे। हाँ भैया, नाम आप अपना बता दीजिए। अच्छा, कैसा लग रहा है गुजर के? दूसरा बहुत खराब लग रहा है। जैसे आप ठीक है, यहाँ नहीं रहते, भारत में रहते हैं कि नहीं? हाँ, भारत में रहते हैं। तो ये रोडवा भारत का है कि नहीं? हाँ, भारत का है। भारत का है ना, आप भी भारत का नागरिक है तो बता सकते हैं। बहुत खराब। आज मैं आया हूँ ब्रह्मपुर चौक पे और यहाँ की स्थिति को आप साफ साफ हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये जो स्थिति है, ये एक दिन का बना हुआ नहीं है या एक दिन की का यह परिणाम नहीं है, लगभग जब से रोड बना और तब से आज तक कभी भी रिपेयरिंग नहीं हुआ इसका। जैसा कि यहाँ के लोग जो बताएं उसके अनुसार यहाँ पे एक बार भी रिपेयरिंग नहीं हुआ है, और उसके बाद यहाँ की जो स्थिति है दयनीय है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है मुसीबतों का, और कई लोग हैं, देखिए बगल में ही लोग दीवार बना रहे हैं ताकि वहाँ से पानी रुक सके वहाँ का, ठीक है। आइए उन लोगों से भी बात किया जाएगा, समझे। कई गांव यहां से गुजरते हैं, ये मेन चौक है, यहां से गुजरने के बाद ही लोग चतरा पहुंच पाते हैं। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि शायद रोड इसका पास हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ सवालात जो हैं वो बाकी हैं अभी भी लोगों को, या MLA साहब जो यहां के हैं, जो यहां की सरकार है, उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि 5 साल तक जो ठेकेदार के अंडर में होता है रिपेयरिंग का काम, वो आज तक यहां नहीं हुआ। कैसा लग रहा है चल के रोड पर? बहुत खराब है रोड। बहुत खराब है, जोर से बोलिए, जोर से। बहुत खराब हो गया रोड। बहुत खराब हो गया है। कैसे खराब हो गया? आज तक पता रिपेयरिंग इसमें नहीं हुआ आज तक? शुरू जो बना है वही बना हुआ है। सिर्फ बना हुआ है वही जो। कितना साल पहले बना है ये? 7 साल हो गया होगा। 7 साल हो गया होगा। आइए आइए सर, आइए सर, आइए आइए। नाम क्या है पहले बताइए? तुलसी यादव। तुलसी यादव, घर? रूपीन। रूपीन, यहाँ से रोज गुजरना होता है? हाँ, रोज तो गुजरते हैं। कैसे गुजरते हैं इस तरह में, ये हालत में? अब क्या कीजिएगा, बनता नहीं है तो गुजरना ही पड़ता है। कितने दिन से बना है ये? तो 3-4 साल से पड़ा है। जैसे एक चीज बताइए, 5 साल तक जो है ये ठेकेदार के अंडर में होता है रिपेयरिंग, आज तक रिपेयरिंग हुआ इसका कभी? नहीं, इधर किधर ले गया, स्थिति पर क्यों पहुंच गया? तो कुछ मतलब जो है यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो MLA है, उससे कुछ बोलना चाहिएगा, क्या बोलना चाहिए, बोलिए। हम लोग क्या बोलेंगे, जो बड़ा आदमी लोग है वही लोग बोलेगा, हम लोग का बात सुनता है नहीं, आवाज तो पहुंचेगा वहां तक, हम लोग का बात कोई सुनता है क्या, गरीब का कोई नहीं सुनता है, गरीब का कोई नहीं सुनता है। देखिए भैया यहां से गुजर रहे हैं और ये बता रहे हैं गरीब का आवाज जो है वो कोई नहीं सुनता है, और जहां पे नेता हमारे बैठे हुए हैं वहां पे लोगों की अर्जियां पहुंचती है, आवाज नहीं, ठीक है। और ये जो स्थिति है आप देख सकते हैं, यहां पे पानी का जो लेवल है, इधर आइए सर, यहां आइए, यहां आइए। कितना कह रहा है ये सर? गहरा होगा कम से कम 3 फीट। 3 फीट गहरा होगा? हाँ सर। अब देखिए, नाम क्या हुआ आपका? धीरज कुमार यादव। धीरज कुमार यादव, यहाँ पे दुकान चलाते हैं, कहाँ है दुकान आपका? जी सर, मेरा दुकान बोला है सामने में ही। जी, अब देखिए यहाँ पे उद्यमी लोग हैं, यहाँ पे दुकान है लोगों का, और उसके बाद यहाँ की स्थिति, जब रोड की स्थिति ये होगी तो यहाँ रुकेगा कौन, और यहाँ से सामान कौन लेगा, इनका दुकान कैसे चलेगा, ये चीज़ सोच लीजिए, ठीक है। और ये जो इसके जिम्मेवार जो लोग हैं, मुख्य रूप से सवाल तो सरकार से है, और सरकार से भी मुख्य रूप से यहाँ के जो MLA साहब है, यहाँ के विधायक हैं, उनसे सवाल है। यहाँ से वो हमेशा गुजरते हैं, उसके बाद भी उनको इन स्थितियों की जानकारी नहीं है, और वो कभी इस चीज़ पे सवाल नहीं किए, कभी ठेकेदार को कहा नहीं गया और उसने रिपेयरिंग नहीं किया आज तक। रोड बंद करके समाप्त हो गया, ठीक है, 5 साल भी गुजर गया, और 5 साल में एक चीज़ बताइए सर, यहाँ ये नाम क्या है आपका? सहदेव कुमार यादव। सहदेव कुमार यादव, कहाँ है घर? मंझगांव। मंझगांव घर है जी। तो यहाँ पर मतलब मंझगांव में ही रहते हैं या कहीं बाहर में?
बाहर में रहते हैं। बाहर में रहते हैं, आते जाते हैं यहाँ पे? जी हाँ, आएंगे ना, रास्ता यही है तो जाएंगे किधर से। रुकिए सर, कैसा लग रहा है चल के इस पर? ये तो चलने में बड़ा मतलब खतरा से कहीं खेल रहा है लोग, कभी भी इसमें कभी किसी को एक्सीडेंट हो सकता है, गोड़ हाथ टूट सकता है, जान भी जा सकता है। इस पर बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग गुजरते हैं, बच्चे, सबसे पहले तो यहाँ बच्चे जो स्कूल आते जाते हैं उनको बड़ी प्रभावित हो रहा है, ज्यादा बच्चे लोग स्कूल जाते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। इनका पहचान हम बता देते हैं, ये टीचर है स्कूल के, ठीक है, और स्कूल के टीचर होने के साथ बच्चों का देख रेख इनके अंडर में आता है, ठीक है, मुख्य रूप से मुख्य प्रभारी है ये स्कूल के, और जो बच्चे यहाँ से पहुँचते हैं इसी रास्ते से जाते हैं, और ये रास्ता जो है कितना ख़राब है ये सर जी बता रहे हैं हम लोग को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जो विधायक जी को इतना ही बोलना चाहें, कादो तो करवाइए दिए हैं, ठीक है, बिहन भी भिजवा दीजिए, रोपवा देंगे, आके धान काट लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही अथी है, क्या बोलते हैं आप, सब बताइए। इस पर हम क्या कहेंगे, अगर विधायक जी का थोड़ा सा इस पर निगाह आ जाए तो एक चीज़ बताइए सर, 5 साल तक तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके तहत 5 साल तक रिपेयरिंग का काम जो है ठेकेदार के अंदर में होता है, तो कितना बार हुआ इसमें? इसमें तो एक ही बार जो बना है वही है, उसके बाद तो फिर किसी तरह का कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ। जब से बना उससे कितना साल तक चला इस ठीक ठाक रोड? बना कुछ दिन के बाद तुरंत टूटना फूटना। कितना दिन? लगभग हमें लगता है कि 6 महीना 7 महीने के अंदर टूटना फूटना शुरू हो गया। 6 महीना के अंदर टूटना फूटना सही शुरू हो गया। अब देख लीजिए कि रोड की जो स्थिति है, रोड की जो कमजोरी है वो आपके सामने है, और आपको मैंने पहले भी दिखाया है सिंधवारी के सड़क के बारे में, और वहाँ पे जो है वो रोड जिस तरह का बना है, भले ही ठेकेदार ने अभी कहीं कहीं पिच को फिर से दोबारा दे दिया है, लेकिन वो रोड का जो बेस है वो खराब हो गया है, और वो कल जा करके वो खराब होने ही वाला है। उसी प्रकार से ये भी रोड खराब हुआ, और समझ लीजिए इतना कि यहाँ से विधायक जी से लेकर के मंत्री तक गुजरते हैं, और समझ लीजिए कि ये स्थिति जो है एक दिन में नहीं बना है, लोग गरीब लोग हैं, ये जो किसान हैं उन्हीं का गुजरना यहाँ से है, समझे। आइए इधर आइए, किधर गए सर वो? आइए आइए आप लोग आइए। अरे तुरंत कहाँ भाग जाए, साइड में हो तो ले रहे हैं इतने, सबसे पहले मेरा नाम रामजीवन कुमार साहू है। रामजीवन कुमार साहू है, रोड में चल के कैसा लग रहा है? बहुत खराब है रोड का स्थिति, बहुत खराब। अच्छा एक बात बताइए, ये जो है 5 साल तक जो जिम्मा होता है वो अंडर में होता है ठेकेदार का रिपेयरिंग का, और उसके बाद कितने बार रिपेयरिंग हुआ इसमें? हम तो एक बार भी रिपेयरिंग नहीं हुआ। एक बार भी नहीं? जिस समय से बना है उस समय से एक बार भी रिपेयरिंग। कितने दिन के बाद खराब हो गया? हमको लगता है कि 1.5 साल के बाद खराब हो गया। रोड स्थिति उसी समय जर्जर हो गया, अब तो पूरा जर्जर हो गया। अब सोच लीजिए जिसकी वैलिडिटी 5 साल होती है, वो 5 महीने में 1 साल में खराब हो जा रहा है, और उसका रिपेयरिंग जो है वो बाद में सारे अधिकारी से लेकर तक यहाँ से गुजरना होता है। यहाँ पे जो हमारे विधायक जी है किशुन दास, खास करके उन्हीं से आग्रह है, सुनने में रोड पास हो गया है लेकिन फिर भी जो हिसाब है इसका वो तो करना चाहिए उनको, कि यहाँ का रिपेयरिंग 5 साल के अंदर में एक बार भी नहीं हुआ, और ये रोड जो है बनने के बाद तुरंत 5 महीने में ही खराब हो गया। ये ब्रह्मपुर चौक पर की स्थिति है। क्या नाम बोलता है? सुमित कुमार। सुमित कुमार, कैसा लग रहा है रोड चल के? बहुत खराब लग रहा है। कहाँ है घर आपका? सिंधवारी। सिंधवारी, और कितना दिन से आप इधर से गुजरते हैं? गुजर रहे तो साल भर से। साल भर से गुजर रहे हैं, तो साल स्थिति कब से है पता है? बहुत पहले से। तो जैसा कि आप लोगों सब ने बताया, ठीक है, ये रोड जो है बनने के बाद 1 साल में ही खराब हो गया। चल के बहुत तो मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है ये रोड पर चल के? बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें तो रोपा होना चाहिए था। 5 साल में रिपेयरिंग जो था वो ठेकेदार के हाथ में था, ठीक है। इधर नहीं आ रहे हैं क्या? विधायक जी इधर से नहीं आ रहे हैं? लाया कीजिए, कभी बुलाया कीजिए, कोई अफसर नहीं आ रहे हैं इधर, उसको दिखाइए। उन्हीं के लिए तो बना रहे हैं, उन्हीं से तो पूछा जा रहा है सवाल ने, ठीक है, कि जब विधायक जी यहाँ से गुजर रहे हैं उसके बाद भी उनको अगर नहीं दिख रहा है चीज को, ठीक है, और 5 साल तक जो है रिपेयरिंग वो आपका ठेकेदार के अंडर में होता है, ठीक है, तो 5 साल में कितना बार रिपेयरिंग हुआ इसका सो बताइए पहले? एको बार नहीं हुआ। और समझ लीजिए कि कितना दिन तक टिका था रोड बनने के बाद? रोड बनने के बाद मतलब कितना दिन चला? मुश्किल से साल डेढ़ साल। देख लीजिए सबका जवाब एक ही है कि 1.5 साल रोड चला, उसके बाद फिर रोड बर्बाद हो गया, और इधर से सारे नेता, यहाँ के विधायक जी, जितने भी लोग हैं यहीं से गुजरते हैं, उसके बाद भी उनका क्या है कि छोड़ दिए हैं इसको उसी हाल पे, ताकि
जो है यहाँ का स्थिति जो है इसी तरह रहे और फिर बाद में दोबारा रोड पास करके और फिर पैसा खाया जाए। अगर इस रोड को अच्छे से बनाया जाए, जिस प्रकार से फंडिंग आता है, अगर उस तरह से बनाया जाए तो हमको लगता है कि 5 साल में कभी, अगर अच्छे तरीके से बनाया जाएगा तो ईमानदारी से बना देगा तो 10 साल में नहीं कबड़ेगा, 10 साल में नहीं। लेकिन यहाँ तो बेईमान पैदा हो गया, सब बेईमान जी। अब देख लीजिए सब, आपको यहीं के लोग बता देंगे। हाँ भैया, नाम आप अपना बता दीजिए। अच्छा, कैसा लग रहा है गुजर के दूसरा? बहुत खराब लग रहा है। जैसे आप ठीक है, यहाँ नहीं रहते हैं, भारत में रहते हैं कि नहीं? भारत में रहते हैं। तो ये रोड भारत का है कि नहीं? भारत का है। भारत का है ना, आप भी भारत का नागरिक हैं तो बता सकते हैं। बहुत खराब। आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे रोपा होने वाला था लेकिन बिहन महंगाई की वजह से नहीं हो पाया, ठीक है, और इसके चलते यहाँ पे रोपा नहीं हुआ। लेकिन एमएलए साहब से रुकिएगा सर जरा सा, कहाँ घर? चारू घर हो गया जी। कैसा लग रहा है इस पे चल के? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। मतलब कितना दिन से गुजर रहे हैं यहाँ से? बस मिनिमम 1-1.5 हफ्ता। देखिए मतलब कितना खुश है, अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मतलब विधायक जी के काम से एक आदमी प्रसन्न है। देखिए ये लड़का, क्या नाम हुआ फिर से बताइएगा? मोहम्मद शहबाज अंसारी जी जो है वो एक व्यक्ति है जो विधायक जी के काम से इतना खुश है कि बेचारे अच्छा कह रहे हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए कैसे बताइए, रोड में चलने में तो बहुत एंजॉय आ रहा है। एमएलए साहब को क्या कहना चाहेंगे? इधर से गुजरते हैं वो भी, ठीक है, देखते हैं हाल को, उसके बाद भी नहीं देख पाते हैं। क्या कहना चाहिएगा? कहना चाहते हैं कि रोड को मरम्मती करे या तो नाली बनवाए, तभी रोड में सुविधा हो सकता है, अन्यथा रोड में सुविधा नहीं हो सकता। रुका यही कहना चाहते हैं, देखिए गाड़ी फंसा हुआ इतना नाली में गिर पड़ जाएगा, आदमी लोग तो कैसे का हो जाएगा। अब देखिए पानी का लेवल, हमको लगता है आपका खेत में पानी संग्रह है अभी? नहीं, इतना पानी नहीं है मेरे रोपा खेत होने के लिए। मतलब हमको लगता है कि आपका खेत में भी नहीं जुड़ा होगा पानी। रोपा लगने के लिए क्या, तो जो पैर नहीं दबता है खेत में इतना। हम यहाँ के जितने भी लोग हैं, इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अपने हिस्से का जितना भी रोपा है वो यहीं रोप लीजिए, क्योंकि ये जो कीचड़ है, ये जो कादो है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें रोपा होता है, ठीक है, वो एमएलए साहब यहाँ के नेता लोग के द्वारा तैयार किया गया है और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। यहाँ से बीडीओ साहब, यहाँ से सीओ साहब सब गुजरते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से नहीं गुजरते हैं। उसके बाद भी यहाँ के सड़क की स्थिति आप सामने देख सकते हैं। क्या नाम हुआ? भुवनेश्वर साहब नाम हुआ जी। कहाँ घर हुआ? बारीसाखी घर हुआ। हाँ। कितना अच्छा लग रहा है, इधर आइए। ये तो खराब लग रहा है। इधर 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 खड़ा हो जाए ताकि दिखे भी ये, ठीक है। कैसा, कितना दिन से देख रहे हैं इसको? इसको कम से देख रहे हैं एक महीना से। एक महीना से, मतलब ये स्थिति एक महीना से है? हाँ सर, एक महीने से है। सब तो बोल रहे हैं 4-5 साल से यही स्थिति है। हाँ। हर बरसात में तो हो ही जाता है कि मेरा बरसात जो है एक महीना, मतलब तो ये मुख्य रूप से अभी जो तस्वीर है वो अभी एक महीना से देख रहे हैं आप। हाँ। अब रोड का स्थिति कितना दिन से खराब है? बहुत दिन से खराब है। मतलब फिर भी अंदाजन 2-4 साल से? 2-4 साल से खराब है। बना उसके बाद सही सलामत कितना दिन तक चला? लगभग 2-3 साल रहा, फिर तो सब कबड़िए गया। तो और रिपेयरिंग कितना बार हुआ इसका? रिपेयरिंग नहीं हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। अब सोच लीजिए सबका जो जवाब है आप खुद देख सकते हैं और यहाँ की स्थिति को भी आप देख लीजिए, ठीक है। लोग अपने अपने तरह से पर्सनल व्यवस्था कर रहे हैं और यहाँ पर जो स्थिति है आप देख सकते हैं। आके सब लोग, जितने भी लोग हैं, मैं सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ, आइए अपना हिस्सा का रोपा जो है यहीं रोप लीजिए। काहे कि नेता अधिकारी सबके द्वारा जो कीचड़ है वो उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया है। देखिए लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको कितना परेशानी हो रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? गुलाम सरवा। गुलाम, कहाँ घर हुआ? सिंधवारी। हाँ। कितना अच्छा लग रहा है इस पे चल के? बहुत तकलीफ हो रहा है। कितना दिन से चल रहे हैं इस पे? चल रहे हैं तकरीबन 15-20 दिन से हम। 15-20 दिन से? हाँ। यहीं रहते हैं या फिर बाहर में? नहीं, नहीं, बाहर में रहते हैं। बाहर में रहते हैं। चलिए ये देखिए, किसी आते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है, तकलीफ होता है। फैमिली लोग, बच्चे लोग आते हैं ना तो बड़ा दिक्कत होता है, उतारना पड़ता है, फिसलने का डर रहता है ना। ठीक है निकल जाइए सर। रुकिएगा सर जरा सा रुक जाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? श्री कुमार यादव। ये कितना अच्छा लग रहा है चल के इस पे? खराब है, ये खराब से लग रहा है। मतलब कितना बार रिपेयरिंग हुआ इसका अभी तक? एक बार हुआ है। रिपेयरिंग नहीं हुआ है ना, तो जैसे 5 साल तक, जहाँ तक कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बात है, उसमें 5 साल तक थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हमको पार करना पड़ता है। सर ये बताइए कि 5 साल तक रिपेयरिंग का डेट होता है ठेकेदार के हाथ में, ठीक है, ये तो आप भी जानते होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो रोड बनता है, सड़क बनती है, उसका जो रिपेयरिंग का
प्रोसेस होता है 5 साल तक ठेकेदार के हाथ में होता है, ठीक है। कितनी बार रिपेयरिंग हुआ इस पर? एक बार भी नहीं हुआ। इसके लिए जिम्मेवार कौन है आपके हिसाब से? ठेकेदार है। ठेकेदार है, अधिकारी यहाँ से नहीं गुजरते? अधिकारी भी है, वो भी नहीं देख रहा है। नेताजी भी इधर से गुजरते हैं? नेता भी गुजरते हैं। आपके एमएलए साहब गुजरते हैं, यहाँ से मंत्री गुजरते हैं, यहाँ की सरकार गुजरती है, ठीक है, उसके बाद भी नहीं दिखती है, तो क्या कहना चाहेंगे उस सबके बारे में आप? निकम्मा है। निकम्मा है, और क्या कहना चाहेंगे, निकम्मा लोग हैं, अपने मतलब ही है खाली। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये देख लीजिए, यही स्थिति है। इसी के साथ धन्यवाद, और आप युवा सत्याग्रह के साथ बने रहिए। धन्यवाद।